पहले से ही आपको प्लेट को सजाया हुआ है खाने के लिए। देख ही सकते हैं एक साथ में हजार लोगों का खाने के लिए व्यवस्था है, पहले से खाना सजाया गया है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिर से मैं आ गया हूँ तिरुपति घूमने के लिए। पिछली बार जो ब्लॉग था मैं आया था, बॉस ले गया था तिरुपति तिरुमला घूमने के लिए, इस बार मैं पैदल ही जाऊँगा, कुछ हटके होने वाला। अभी भोर कुछ 3 बज रहा है, अभी जाएंगे हम लोग ऑटो से, दिशा से पैदल यात्रा शुरू करेंगे। जो रात का व्यू इस तरह है तिरुपति के रेलवे स्टेशन का फ्रंट वाला, देख लीजिए। हिंदी वाला ही ज़्यादा है, तो यहाँ का लोग कम रहते हैं। दर्शन का पास लेने के लिए आए हैं ना, इनके साथ हमारे को भी लाइन में लगना है। अभी कितना लोग है यार। तो यहाँ पे आपको स्लॉट लेना है, जो बुकिंग का पास होता है यहीं से आपको लेना है, होता है आधार कार्ड दिखा के। तो यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में लॉगेज रख सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपको चढ़ाई करने के बाद आपको ऊपर जाके लॉगेज मिलेगा। तो यहाँ पे आप लॉगेज दे दीजिए, हम लोग भी लॉगेज दे दिया यहाँ पे। यहीं से हुआ सीढ़ियां चढ़ाई आरंभ। काउंटिंग करो रे भाई। वैसे देख के लगता नहीं है कि पहाड़ के ऊपर इतना बड़ा जगह है और ऐसा बना हुआ है। तो यहाँ पे फ्री का दवाई मिलता है, मैं जाके कुछ दवाई लेता हूँ क्योंकि मेरा गला एकदम बैठ गया है। तो 2200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हालत बड़ा ख़राब हो गया है, तो मैं इधर से फ्री में क्लिनिक से दवाई लिया, जो कि यहाँ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। आप चाहे तो ले सकते हैं, कुछ भी दवाई हो ले सकते हैं यहाँ से, पहाड़ के ऊपर हालत ही ख़राब हो गया है पूरा। अभी मतलब 2500 सीढ़ी आप लोग चढ़ चुके हैं, एकदम नॉर्मल है, थोड़ा सा नॉर्मल जो रोड दिख रहा है, फिर से आएगा चढ़ाई वाला सीढ़ी। साइड में तार वगैरह देख सकते हैं, दिखाया था आपको। सुबह 5:30 हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ना अपना शुरू हुआ, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी 7:35 कुछ हो गया है, मतलब 2 घंटा हम लोग ऑलरेडी चढ़ चुके हैं। देखते हैं और कितना टाइम लगता है चढ़ने में। तो हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ने चढ़ने टाइम में कुछ आपको ऐसे दिख गया, आपको दिखाता हूँ, वो आप देख सकते हैं, एकदम नज़दीक आ जाते हैं वो।
यहाँ पे क्या एनी टाइम पानी गिरता है क्या? भाई पैदल जाने में इतना मजा है, पहली बार जा रहा हूँ तिरुपति में, पैदल ही आओ। थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको थोड़ा दिक्कत होगा, उसके बाद जो है आपको मजा ही मजा आने वाला है, क्योंकि सीढ़ी है जो देखने का चीज़ है, सब सीढ़ी में आओ तब देखने को चीज़ मिलेगा। सर देखो ये भी आपको दिखाता हूँ, एकदम पहाड़ का बीचों बीच जाना है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो मंदिर दिख रहा है यहाँ से और 3 किलोमीटर आगे जाना है। आज तो पूरा हालत ही खराब होने वाला है। तो आप जाओ, पहले लगेज रख के आएंगे नीचे तो आपको यहीं पे लगेज मिलेगा। ये लिखा है फ्री लगेज डिलीवरी सेंटर, आपको जो टोकन दिया होगा उस टोकन हिसाब से आपको उनको देना है, आप जो मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर देना है, इसके बाद आपको आपका लगेज मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आप तिरुपति आके बाल अर्पण करना चाहते हो तो यहाँ पे कल देने कटा लिखा है, और टिकट तो फ्री में इधर टिकट काउंटर है, पहले आपको टोकन देना पड़ेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। अब लाइन से आने के बाद यहाँ पे आपको एक टोकन मिलेगा, इस तरह का टोकन मिलेगा आपको, टोकन के साथ एक ब्लेड भी मिलेगा, इस पर लिखा है नंबर भी लिखा है, हॉल नंबर लिखा है, और जो 56 लिखा है तो चलिए जानते हैं 56 एक्चुअली लिखा क्यों है। तो आपको जाना है यहाँ पे रूम पे, रूम के जाने के बाद यहाँ पे मुंडन हो रहे लेडीज लोग का साइड वाला। आप ये रूम का हॉल का अंदर आने के बाद सब लिखा है ना, 33, 34, 56, इस पर लिखा है 56, मतलब आपका जो नाई है वहीं पे बैठा है 56 में। तो आपको इनको वही वाला पर्ची देना है और बाल कटाना है एकदम फ्री में। यहाँ पे जो यात्री सदन लिखा है जस्ट आगे आपको बाल अर्पण करने वाला काउंटर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे जो यात्री सदन लिखा है यहाँ पे विश्राम भी कर सकते हो, और यहाँ पे अंदर लॉकर भी है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको, एंटर करते हुए कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। हॉल नंबर 3 और 4, हॉल नंबर 1 और 2 जो स्टेट है, आपको बाल काटने वाला काउंटर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो हॉल है वो आपको लॉकर वाला हॉल है। यहाँ पे लिखा है लॉकर एट फ्री ऑफ कॉस्ट, बट यहाँ पे लिखा है बी केयर योर लॉगेज, मतलब आपका चोरी होता तो आपका रिक्स में, उनका कोई रिक्स नहीं है। यहाँ का डेली का मार्केट है यही लगता है सर। बहुत ही बड़ी मार्केट का प्लेस है। जो दुकान दिख रहा है इतना मेला जैसा लगा हुआ है, ये खाली तिरुपति में नहीं है, ये इंडिया का हर कोने में आपको देखने को मिलेगा। अभी तिरुपति में क्या है, आपको पैसा हो या ना हो आपको भरपेट खाना मिलेगा, पैसा के लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में सब कुछ हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे कोई धनी और गरीब अलग है, वो अलग है, अलग कुछ भी नहीं है, आप यहाँ आराम से आओ, खाओ पियो, पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ पे एक बार आ जाओ ना, फ्री खाने का आपको किधर भी मिल जाएगा फ्री खाने के लिए। तो फ्री में खाओ और फ्री में रहना भी है, और मुंडन चाहो तो मुंडन भी करवा सकते हो, बाकी बहुत ही बढ़िया प्लेस है। तो एक मंदिर का जो मेन रोड है, ये मेन रोड हो गया, यहाँ पे आप दर्शन करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे। फ्री लॉगेज सेंटर, अगर आप स्पेशल दर्शन के लिए टिकट लिए हो तो उनका ऐसे गेट नंबर रहेगा, आपको ऐसा गेट नंबर S1 रहेगा टिकट का ऊपर, या S2 S5 ऐसा रहता है, तो इसका आपको यहाँ से एंट्री करना है, कुछ इस तरह दिखता है।
लिखा है क्या है स्पेशल दोस्तों ऑनलाइन पर 300 लिखा ना स्पेशल दोस्तों 300 लिखा ना आपको थोड़ा सा ही फील नहीं होगा आपकी इतने पहाड़ का ऊपर आप हो 7 पहाड़ चढ़ के हम लोग जो आए हैं आपको लगेगा नहीं कि हम लोग पहाड़ का अंदर में है पहाड़ का ऊपर इतना अच्छा खासा रोड और इतना अच्छा घर लाखों के संख्या में लोग अगर स्पेशल दर्शन करना चाहते हो तो 300 रुपये में आपको 2 घंटे में दर्शन किया जाएगा अगर आपको स्पेशल दर्शन नहीं चाहिए और आप फ्री में करना चाहते हैं अगर आप जिधर से पैदल चढ़ते हो इससे आपको पहले टोकन मिल जाएगा आपका आधार कार्ड दिखा के आपको मिल जाएगा तो आप वहाँ से आप ले सकते हो नहीं तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको दौड़ना पड़ेगा ज़्यादा लोग देखो यहाँ पे कैसे दौड़ रहे हैं देखो तो दर्शन करने से पहले या तो आपको मोबाइल और घड़ी सब यह जमा करना पड़ेगा क्योंकि आपको बाहर ही मिल जाएगा तिरुपति में अभी कुछ 12:00 होने वाला है 12:25 हो गया है अभी दुकान सब खुला है मार्केट कॉम्प्लेक्स रात का कुछ ऐसा व्यू दिखता है तो सुबह हो चुका है हम लोग तिरुपति में तिरुमला दर्शन कर चुके हैं तो अभी जाएंगे तिरुमला के 12 टेम्पल घूमने के लिए साथ मेरा दोस्त पंचू भी है इधर छोटू भी है तो चलिए आपको थोड़ा सा ही फील नहीं होगा कि आप इतना पहाड़ का ऊपर हो आपको लगेगा ऐसा आप कोई शहर हो या सिटी हो और मतलब हर 10-15 मिनट में आपको फ्री बस जो है वो तिरुपति बस स्टॉप से यहाँ से तिरुमला तक आता है ये देख लीजिए फ्री बस पे लिखा भी है फ्री बस चप्पल रखने की वजह से जो फ्री चप्पल स्टैंड है यहाँ पे आप चप्पल रख सकते हो तो आप नंबर के हिसाब से रख सकते हो सब फ्री में है आप तो यहाँ पे रख सकते हो भक्त जब आते हैं रूम इतना कम पड़ जाता है कि लाखों में जब आते हैं यहाँ पे सोने का व्यवस्था किया गया है जो मंदिर के सामने ये पहले नहीं था अभी किए हैं स्टेज सजाया हुआ है यहाँ पे डेली भजन समारोह होता है
सुबह जब मंदिर का परिक्रमा करते हैं तो इनको इनका साथ में परिक्रमा होता है। इनको भी पूजा करना, साक्षात भगवान की पूजा करना समान रहेगा। आप जब मंदिर आते हो ऐसा वाला आपको एक पर्ची मिलता है जो टिकट काउंटर में तो आप उसको क्या करते हो, दर्शन पास के लिए आप दर्शन करने के बाद इसको फेंक देते हो। इसको फेंकना नहीं है, इस पर आपको एक फ्री का लड्डू मिलेगा। वो लड्डू कहाँ मिलेगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए, ये वही जगह है जहाँ पे फ्री पे लड्डू मिलता है। मंदिर जैसा भीड़ है यहाँ पे भी लड्डू लेने के लिए। एकदम प्योर घी का बनता है लड्डू। एक लड्डू का प्राइस जो रहता है वो रहता है 50 से लेकर 200 तक। मंदिर के अंदर में दर्शन करने जितने लोग हैं उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा यहाँ पे भी लड्डू लेने के लिए लोग आया है। आप जब लड्डू का काउंटर आते हो लड्डू लेने के लिए, जस्ट उसके सामने ही एक सरोवर बना हुआ है नहाने के लिए, तो वो उधर स्नान करके उसके बाद प्रभु बालाजी का दर्शन करना चाहिए ऐसा मान्यता है। तो चलिए, वो सरोवर कहाँ है आपको दिखाता हूँ उसका व्यू। एंट्री करो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ओम नमो वेंकटेश। अटेंशन डिवोटी, डोंट वॉश योर क्लोथ। इतना दूर आए हैं सर्वर में नहाए तो नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने बुखार पकड़ लिया है, तो इतना पानी थोड़ा छिड़क लेते हैं, अपना बस छिड़क लेते हैं। और जो सर्वर का व्यू आपको दिखा दें एकदम ब्लू कलर का पानी पूरा ठंडा है। फिर कभी आएंगे तो नहाऊंगा। तो चलिए कुछ आपको और कुछ दिखाते हैं, और भी बहुत कुछ देखने के बाकी है। और फ्री में भी खाना मिलता है यहाँ पे, भोजनालय है वह भी आपको दिखाऊंगा। अब जब सरोवर में नहा के आओगे तो आपको सीधा एकदम दिखेगा, एकदम बड़ा सा बिल्डिंग दिखेगा, वो आनंद प्रसाद सेंटर लिखा है उस पर भी लिखा है। 8 बजे 8:30 बजे से 10:30 तक सुबह खुला है, और फिर लॉन्च के टाइम पे भी खुला है। आप फ्री में यहाँ पे खाना खा सकते हो, एक आइटम नहीं बहुत सारा आइटम खाना खा सकते हो। तो चले हम लोग भी चलते हैं, पहला खाना खाएंगे उसके बाद। जस्ट आप एंटर करेंगे ना ये आपको दिख जाएगा, बहुत ही बढ़िया प्लेस है दिखने को मिलता है। जब एंटर करोगे आपको इसको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब सीधा चला जाओ डाइनिंग में, डाइनिंग हॉल 2। यहाँ पे सब लोग एंटर कर रहे हैं और हम लोग भी एंट्री करेंगे। यहाँ पे खाना इस पे जा रहा है, पहले से ही आपको प्लेट को सजाया हुआ है खाने के लिए। देख ही सकते हैं एक साथ में 1000 लोगों का खाने के लिए व्यवस्था है, पहले से खाना सजाया गया है। जब यहाँ पे खाने के लिए आए हुए पहले से भी आपका पत्ता है यहाँ पे डाल दिया गया है, इसके साथ भी खाना भी डाल दिया गया है। और कुछ आइटम डालेंगे इस पे, देखेंगे क्या क्या आता है इस थाली में। हज़ारों की संख्या में एक साथ में खाना बैठ के खाते हैं यहाँ पे, इससे बहुत सारा हॉल है। आ जाना है, बहुत बड़ा काउंटर है। आपको जो टोकन के ऊपर एक नंबर लिखा होगा काउंटर का नंबर, वो नंबर का आप देख कर जाना है। 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर काउंटर पर जाना है, उसको देना है, उसके बाद आपको वो आपका लगेज लाना है। जो लगेज काउंटर मैं अभी आपको दिखाया वो एक लगेज काउंटर नहीं है, ऐसा बहुत सारा लगेज काउंटर है। अगर आपको पहले से जमा करना होता है तो यहीं पे वो लोग दे देते हैं, डिलीवरी करते हैं। अगर आपको सिक्योरिटी वाले या और कोई पुलिस वाले आपका लगेज ले लेते हैं तो आपको लाइन बाय लाइन मिलेगा और दूसरे जगह पे मिलेगा आपको, जो कि गेट यहाँ पे नहीं तो दूसरे जगह आपको मिलेगा। वो भी नंबर लिखा हुआ है, वो बता देंगे यहाँ, यहीं पे पूछने से बता देंगे वो कहाँ मिलेगा। यहाँ पे रेंटेड टैक्सी भी है, आपको चाहे हो तो आप यहाँ पे घूमना चाहते हो तो आप टैक्सी भी ले सकते हो। पर टैक्सी का और प्राइस भी लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना पैसा है, पूरा लिखा हुआ है इस पर। ये है तिरुमला बस स्टैंड, यहाँ से तिरुपति तक छोड़ने जाएंगे ये वाला बस आपको, 120 रुपया पर पर्सन।
अभी मैं तिरुमला बस स्टैंड पे हूँ। यहाँ पे जाने वाले हम लोग चेन्नई जाने वाले हैं। दो दिन की जो छुट्टी था वो ख़त्म हो गया, तो अपना तिरुपति घूमना हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब घूमना कंप्लीट हुआ मतलब और कुछ घूमना था, तो कंपनी छुट्टी नहीं है, कल ड्यूटी है तो जाना पड़ेगा आज। तो फिर ऐसे भी दुख रहा है बहुत, हम लोग पैदल आए थे चढ़ के, सीढ़ियाँ चढ़ के। तो हम लोग बस स्टैंड पर भी है, दो बस स्टैंड है, जो कि यहाँ से एक तिरुमला टू तिरुपति जा रहा है वो अलग बस स्टैंड है, और यहाँ पे एक और ही प्राइवेट बस स्टैंड है जो कि यहाँ से चेन्नई, बैंगलोर और केरला, यहाँ तक बहुत सभी जगह बस जाता है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग यहीं पे रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर बताऊंगा कि यहाँ पे और क्या क्या घूमने का जगह है।